रह गए अभिषेक, बहुत देर हो गई। आवाज तो शीशे में से आ रही है, मगर ये कैसे हो सकता है? रूपाली, रूपाली, ये क्या हो रहा है? दाऊ जी, कैसे हो रामलाल? आपकी दया दृष्टि मालिक। अरे भाई आओ, आप जल्दी आओ, बहू को लेके आ जाओ। आओ बेटे आओ। भाभी ये हमारा प्यारा सा गला जो अब आपका भी होने जा रहा है। अब सब वहीं खड़े रहोगे? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो आ जाओ। लगता है इस मनु अभिषेक की शादी फिर से कर दी है। जो बीबी तो खा चुका, पता नहीं उनकी मौत कैसे हुई। लोग कहते हैं जो भी लड़की अभिषेक से शादी करेगी उसकी मौत तो निश्चित है। कोई भी अच्छा परिवार लड़की देने को तैयार नहीं था। एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की से शादी हुई है, लड़की तो राजी नहीं थी, फिर भी ये शादी कुछ शर्तों का है। यादव जी को उसके पिता का इलाज कराना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज्यादा दिन टिक पाएगी। अब भगवान ही मालिक है। इरादा है शाम तक यही करोगे, यहीं बैठ जाएं? चुप कर पगले, गुरुजी ने तो ये जरूर करने को कहा था। ये लो बेटा, मेरी तरफ से मुबारक है। और बेटा अपने पैरों से इस कलश को गिराते हुए अंदर आ जाए। आपको तो मालूम नहीं होगा बहुत लंबा सफर था, मैं तो बहुत थक गया, बहुत ही ज्यादा थक गया। और एक बात, आप में से कोई भी अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा।
और मेरे ख्याल से बहू को भी अब आराम करने दो और जो बाकी रस्में है ना वो हम बात करते हैं। हाँ आप चाहिए हम कर लेंगे। हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं। बढ़िया तुम्हारी माँ। चलो भाई मैं तो चलता हूँ। हाँ अपना ख्याल रखो। और निखिल बेटा तू पूजा को उसके रूम में छोड़ आओ। और हाँ अभिषेक रात को 9 बजे तक तू पूजा से नहीं मिल सकता। अरे तब तक तुम मुझे हेल्प करोगे बाजार से कुछ सामान लाने। ठीक है जाओ अभिषेक बेटा आराम। आइए बाबा। इस बार मैंने गुरुजी से पक्का काम कराया। कोई अनहोनी नहीं होगी बेटा तुम चिंता मत करो। मंगल दोष की पूजा मैंने अच्छे से कराई है। पता नहीं बहुत घबराहट हो रही। मेरी पहली तीनों बीवी सुहागरात की रात के बाद वाला दिन नहीं देख पाई। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये प्रश्न मुझे अभी भी परेशान करते हैं। लगता है कि कहीं पूजा के साथ भी ऐसा ना। नहीं नहीं बेटा तुम चिंता मत करो बेटा तुम्हारे ऊपर से सब दोष हट गए हैं। कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं तुम चिंता मत करो बेटा सब अच्छा ही होगा बेटा। और भैया का कमरा। भाभी आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे अपने इस देवर निखिल को याद कर लीजिएगा। और हाँ भाभी भैया बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखे। चलिए मैं चलता हूं। पूजा बेटा पूजा बेटा ये घर की चाबियां है
संभल। हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से ये रीत चली आई है, सास अपनी बहू को घर की चाबियां देकर घर की जिम्मेदारी सौंपती है। तो ये शुभ काम क्यों जल्दी ना हो जाए, इतना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सदा सुहागन रहो बेटा, अभिषेक और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। पूजा, मैं समझ सकती हूँ नई जगह को अपनाने में समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। ठीक है, आप आराम करो, मैं चलती हूँ। भाई वाह, बहू ने खाना तो बहुत ही बेहतरीन बनाया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो फिर पापा भाभी को शगुन में क्या देते? देना तो कुछ बड़ा ही पड़ेगा, ससुर जी जो हो, और बहू ने आज पहली बार रसोई में कदम रखा है, और ये शगुन तो बहुत बड़ा माना जाता है। अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहू को बहुत ही बेहतरीन शगुन मिलेगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और हाँ, इस बार तुमने सारे टोने टोटके और पूजा पाठ करवा तो लिए ना, क्योंकि देखो पिछली 3 शादियों में अभिषेक की पत्नी पहली रात को ही भगवान को प्यारी हो गई थी, और मैं इस बार ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो क्या है कि अगर इस बार भी ये हुआ ना, तब कोई भी लड़की वाला अपनी लड़की को हमारे बेटे से ब्याहेगा नहीं। अब बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने पूजा पाठ एकदम बराबर करा दिया है, इस टाइम कुछ नहीं होगा। और भला हो पूजा का कि उसने ये शादी के लिए हाँ बोल दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हुआ? अंदर कुछ क्या है उसमें भाभी? इसमें क्या भाभी? बताइए क्या है उसमें भाभी? मेरे सिर में दर्द है। अरे भाभी, अगर आपके सर में दर्द है तो आप किचन में क्या कर रही? आप जाइए आराम कीजिए, मैं मॉम को किचन में भेज देता हूँ। चलिए चलिए। चीज हमेशा तुम्हारे बेड के नीचे रखना, मुझे क्या आशीर्वाद है, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जी मम्मी जी। और हाँ पूजा बेटा, मैं अभिषेक से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा कलेजे का टुकड़ा है वो, उसका ख्याल रखना और हमेशा घर को साथ लेके चलना। जी बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अभी सब ठीक है ना? अब सिर दर्द कैसा है? ठीक है अभी। अच्छा फिर आप आराम कीजिए, चलिए गुड नाइट। निखिल, अभिषेक की बीवियों की मौत कैसे हुई? अरे भाभी, जो बीत गया सो बीत गया, हादसे सबके साथ होते हैं, बस
भैया के साथ एक के बाद एक हो गए। मैंने पूछा मौत कैसे हुई। डॉक्टर का मानना था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, बस एक सडन सा सदमा लगा और बस मैं इतना ही जानता हूँ भाभी। चलिए आपसे कल सुबह मिलता हूँ। मेरे साथ मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या हुआ तुम इतनी घबराई हुई? इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुमसे अपने बारे में बात करनी है। पूजा शायद तुम नहीं जानती, कई साल पहले मेरी माँ गुजर गई थी। जब मैं 8 साल का था मुझे मेरी सौतेली माँ ने पाला है। उषा मम्मी मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मम्मी ने मुझे अपने सगे बेटे निखिल से भी ज्यादा प्यार किया है। इतना प्यार किया है शायद मेरी मम्मी जिंदा होती तो वो भी नहीं कर पाती। इसलिए पूजा मेरी मम्मी का कभी दिल मत दुखाना, भले ही चाहे उनकी गलती हो। पर हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ना जाने क्या होगा, किसी भी बोल ने शादी के बाद अगली सुबह देखी नहीं है। उषा बिल्कुल चिंता मत करो, इस बार सब ठीक होगा। हो सकता है पुरानी बातें इत्तेफाक हो। अरे भाई मैंने तो पूजा का चेहरा देख के ही सोच लिया इस बार कुछ नहीं होगा। बहुत आत्मविश्वास है मुझे। बस मैं तो सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी। अरे हाँ वो जो गुरु जी ने प्रसाद दिया था वो तुमने बहू के गद्दे के नीचे रख तो दिया ना? हाँ, वो तो मैंने रख दिया है, ईश्वर उसकी रक्षा करे। ठीक होगा उषा, सब ठीक होगा। पूजा
अभिषेक पूजा, अभिषेक पूजा, क्या हुआ तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं शीशे में। क्या है शीशे में? शीशे में। मुझे क्या हुआ अभिषेक? इस शीशे में कोई है। अभी मैंने खुद का अपना भयानक रूप देखा। इस शीशे के पीछे जंगल है। किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। बहुत ही डरा हुआ मेरा। क्या है शीशे में? ये देखो, कुछ भी नहीं है पूजा। पूजा तुम संभालो खुद को। पूजा देखो, कुछ भी नहीं है। संभालो अपने आप को। तुम्हें सिर्फ दम हुआ है। अच्छा तुम मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। कुछ नहीं है पूजा। इधर बैठे लेट। रात बहुत हो गई, सो जा। तुमने सिर्फ एक डरावना सपना देखा है और कुछ नहीं। मेरा विश्वास करो पूजा, कुछ नहीं। पूजा सो जा, लेट जा। ऊपर वाले पे भरोसा करो, सब ठीक हो। मैं कहता हूँ सब ठीक होगा। जब तक दोनों उठते नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है ना? कैसे मालूम सब ठीक है? जब तक मैं खुद अपनी आंखों से पूजा को सही सलामत नहीं देख लेती, मुझे चैन नहीं आएगा। समय तो काफी हो गया, आप लोगों ने उन्हें उठाया नहीं। देखो एक काम करो, ये सही बोल रहे, समय बहुत हो गया। सुबह का 8 बज रहा है। जाओ बेटे, उनको जाके उठाओ। ठीक है। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। पूजा, पूजा दरवाजा खोलो। भाभी दरवाजा खोलिए। अरे खोलो नहीं, तुम तोड़ दो बेटे, तोड़ो। बताइए भाभी, हुआ क्या है? क्या पूजा, बोलो पूजा, क्या हुआ पूजा? भैया अभिषेक, अभिषेक
घबराने की कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है। अब मैं चलता हूं। पूजा बेटे, क्या हुआ था? कौन आया था तुम्हारे कमरे में? बोलो बेटे, बोलो। क्या हुआ था? पापा, कोई तो उस मिरर में कोई है। शीशे में मैंने अपने खुद का डरावना चेहरा देखा। इतना भयंकर चेहरा था। मैंने ये बात रात में अभिषेक को भी बोली थी, लेकिन अभिषेक ने ये बात नहीं मानी। शीशे में कुछ है पापा, कुछ तो है उस शीशे में। अच्छा, तुम्हें कैसे बेकी-बेकी बातें कर रही हो? तुम अपने होश आवाज खो बैठे हो। मेरा कोई यकीन क्यों नहीं करता? विश्वास करो मुझ पे, कोई तो है उस शीशे में, कोई तो है यहाँ, कुछ है उसमें। मुझे लगता है इस घर में कुछ तो जादू तो ना करा है। लगता है तुम कोई तांत्रिक के बाबा को लेके हो। मुझे यकीन है इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जाओ बेटा। अरे कुछ भी उठपटांग बातें कर रही हो तुम उषा। अरे पुलिस इंक्वायरी कर रही है ना, सच सामने आएगा। आप बीच में मत बोलिए, मुझे यकीन है इस घर में कुछ तो जादू टोना हो रहा है। मेरी बात पे यकीन कीजिए। आप लोग मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं करते? शैतानी शक्ति का प्रमाण है ये, राख का खून में बदल इस घर पर किसी बुरे साये की नजर है। मुझे ये घर देखना है। दरवाजा किसके कमरे का है? बाबा, अभिषेक का कमरा है। और बाबा, उस कमरे में कुछ है।
अभिषेक की मौत क्या इसी कमरे में हुई थी? हाँ बाबा। यहाँ चुड़ैल होने की मौजूदगी महसूस हो रही है मुझे। अभिषेक की शादी कब हुई थी? जी कुछ रोज पहले। बाबा ये पूजा है, अब इसे क्यों उसे छोड़कर चला जाएगा? ये बात गले नहीं उतरती। माँ संभालो अपने आप को। पूजा, जब से ये हादसा हुआ है बाबा, ये बेजान सी हो गई है। हो जाएगा, मैं आती हूँ। मुझे घर में चुड़ैल प्रवेश कर गई है, यदि उसको रोका नहीं गया तो सारे घर को खा जाएगी। पापा चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, तुम उसे पहचान नहीं पाए लेकिन वो मेरे नजरों से बच नहीं पाई। बाबा ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चुड़ैल बुड़ैल। पूजा, पूजा यदि उसे रोका नहीं गया तो सारे घर को खा जाएगी।